हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रहर, आप देख रहे हो हिंदी एक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं MIUI 12 के बारे में। जो MIUI 12 है उसका स्टेबल वर्जन रिलीज हो गया है रेडमी नोट 7 के लिए। उसका एक पोर्ट रोम अवेलेबल हुआ है MIUI 2 डिवाइस के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो, मेरे पास है दोस्तों MIUI का 12.0.1 स्टेबल वर्जन Xiaomi UI की तरफ से MIUI 2 डिवाइस के लिए अवेलेबल हो गया है। सो अगर आप MIUI 12 के स्टेबल वर्जन को यूज करना चाहते थे अपने MIUI 2 डिवाइस के लिए, तो फाइनली भाई सब वो अभी अवेलेबल हो गया है आपके MIUI 2 डिवाइस के अंदर। आप MIUI 12.0.1 का जो स्टेबल वर्जन है उसे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो वीडियो का अंत तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। और एज वेल दोस्तों, अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। ऐसे देख पा रहे हो ये जो वर्सेस है दोस्तों एंड्रॉइड 10 के ऊपर रनिंग करता है। और जो डेवलपर है, डेवलपर का नाम भी आप पढ़ पाओगे। 5 जुलाई का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है। और जो Xiaomi UI MIUI का जो वर्सन है 12.0.1 स्टेबल बिल्ड है, यहाँ पर आप बिल्ड नंबर भी पढ़ पाओगे। इस सब सिंपली इस बिल्ड को आप TWR रिकवरी से फ्लैश कर दे सकते हो, कोई भी इशू यहाँ पर नहीं आएगी आपको। सो बात कर लेते हैं दोस्तों इस बिल्ड के अंदर हमें क्या मिलता है। जैसे कि आपको मालूम होगा मेरे चैनल के ऊपर जाओ, आपको MIUI 2 डिवाइस के रिलेटेड MIUI 12 के साथ बहुत सारी ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी। ये जो बिल्ड है दोस्तों, इस बिल्ड के अंदर आपको ज्यादा ऑप्शन को डाला नहीं गया है। इस बिल्ड के अंदर मेनली आपको मिलेगा दोस्तों स्टेबिलिटी। ये जो बिल्ड है दोस्तों MIUI 12 का पहला स्टेबल बिल्ड है MIUI 2 डिवाइस के लिए। ये जो बिल्ड है दोस्तों रेडमी नोट 7 से पोर्ट किया गया है MIUI 2 डिवाइस के लिए, क्योंकि रेडमी नोट 7 एंड MIUI 2 डिवाइस के लिए ऑलमोस्ट सेम हार्डवेयर स्पेक्स यहाँ पर काम में लाता है। बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आपको दोस्तों इस बिल्ड के अंदर नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं पहले ही बता दूं, ये जो बिल्ड है अगर आप ऑलरेडी बीटा को यूज कर रहे हो दोस्तों, तो ये जो बिल्ड है आपको शायद पसंद नहीं आया, क्योंकि दोस्तों ये जो बिल्ड है इस बिल्ड के अंदर आपको डाउनग्रेड मिलेगा ना कि अपग्रेड। अगर आप दोस्तों जो जो चाइना बीटा है उसमें से अगर आप दोस्तों इस बिल्ड के अंदर आओगे, स्टेबल बिल्ड के अंदर आओगे, ये जो बिल्ड है ये भी दोस्तों चाइना स्टेबल बिल्ड ही है। सो अगर आप चाइना बीटा से चाइना स्टेबल बिल्ड के अंदर आओगे दोस्तों, आप डाउनग्रेड करोगे ना कि अपग्रेड करोगे। इस बिल्ड के अंदर रियली कोई भी ऑप्शन को ऐड नहीं किया गया है। इस बिल्ड के अंदर जो चाइना बीटा का फर्स्ट एज है और जो चाइना बीटा का स्टेबल बिल्ड था उसे ही दोस्तों उठा के जिप पे दिया गया है। इवन जो स्टेटस बार है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान में होगा दोस्तों जो कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर ये जो वाट है दोस्तों हट जाके यहाँ पर डेट एंड टाइम लिखा आना चाहिए था, बट वो जो फीचर है दोस्तों वो नया बिल्ड के अंदर है। ये जो बिल्ड है स्टेबल बिल्ड है, फिर भी दोस्तों ओल्डर जनरेशन का बीटा का स्टेबल बिल्ड है। सो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। अगर आप दोस्तों MIUI 12 का बीटा यूज कर रहे हो और वो दोस्तों अगर आप हटा के इस बिल्ड को डालोगे तो दोस्तों आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, बट फीचर आपको दोस्तों कम मिलेगा। यहाँ पर स्टेटस बार हमें मिल जाती है, यहाँ पर कंट्रोल सेंटर एंड स्टेटस बार करके लिखा आना चाहिए था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें जो फॉन्ट है दोस्तों यही फॉन्ट मिलता है हमें दोस्तों, और कोई फॉन्ट नहीं मिलता है, जो कि ठीक बात है, कोई इश्यू यहाँ पर नहीं है। एंड एज वेल एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेसिकली तैयार किया गया है, तो आपको ग्लोबल डार्क मोड तो मिल ही जाएगा, कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। जो चार्जिंग एनिमेशन है वो भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात यहाँ पर हमें लगी है। सो ये जो बिल्ड है दोस्तों नया एकदम जो बिल्ड आया है उसका दोस्तों कॉपी नहीं है, उसको उठा के नहीं दिया गया है। ये जो थोड़ा सा पुराना बिल्ड है उसे स्टेबलाइज करके हमारे MIUI 2 डिवाइस के मतलब रेडमी नोट 7 के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर बग के बारे में। सबसे पहला बग दोस्तों जो पोर्ट्रेट मोड है भाई साहब, MIUI 2 के अंदर रेडमी नोट 7 का कोई भी पोर्ट हो जाए वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, हॉटस्पॉट काम कर रहा है, कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है कनेक्टिविटी के मामले में। एंड अगर बात करूँ प्ले स्टोर की, तो डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड का ऑप्शन है, मतलब जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है जो फोन पे गूगल पे होगा पहली दफा दोस्तों काम नहीं करेगा, बट कोई इशू नहीं है। अगर आप गूगल कैमरा को यूज करते हो तो पोर्ट्रेट मोड आपको मिलेगा, जो कि MIUI 12 का स्टॉक कैमरा से बहुत 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 ही बेहतर है, कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। गीकबेंच की स्कोर की बात करो दोस्तों, ज्यादा कुछ दिखाने को है नहीं भाई साहब। हमने गीकबेंच के स्कोर को देखा है, जो स्कोर मिला है दोस्तों सिमिलर स्कोर है, ज्यादा कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ है, स्कोर हमें सिमिलर ही मिलती है। सो क्या आपको इस अपडेट को करना चाहिए, क्या आपको इस स्टेबल वर्जन को इंस्टॉल करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से भाई साहब सच बताओ तो नहीं, क्योंकि दोस्तों जो बीटा हमें मिलता है MIUI 12 का चाइना बीटा मिलता है वो बहुत 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 ज्यादा स्टेबल होता है। और इस अपडेट को करने का कोई भी रीजन मुझे पर्सनली नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो जो बग्स हमें बीटा के अंदर मिलता है सिमिलर बग्स हमें यहाँ पर स्टेबल के अंदर भी मिल जाता है। सो ज्यादा कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं किया गया है। सो मेरे हिसाब से करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास MIUI 2 डिवाइस है तो जो आप यूज कर रहे हो MIUI 12 का बीटा वर्सन उसे लेटेस्ट वर्सन में अपडेट कर लीजिए, बट इस वर्सन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वर्सन के अंदर आपको लेटेस्ट बीटा का कोई भी फीचर नहीं मिलता है। आशा करूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कर देना, घंटे बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच।